सो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आज इस वीडियो में आपको 10 थाट सिखाने वाला हूँ भारतीय संगीत के, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले क्या है कि भारतीय संगीत में 10 थाट है। सो इन 10 थाटों को याद रखने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले थाटों के नाम लिख लीजिए। पहला थाट है बिलावल, ठीक है जी। जिस सीक्वेंस में आपको लिखवा रहा हूं सेम उसी सीक्वेंस में आप लिखिएगा, ठीक है जी। दूसरा थाट हम पकड़ेंगे कल्याण थाट, तीसरा थाट हम जानेंगे खमाज थाट, चौथा थाट हम जानेंगे काफी थाट, ठीक है जी। उसके बाद पांचवा थाट अपन यूज करेंगे आसावरी थाट, और छठा थाट हम सीखेंगे भैरवी थाट। और उसके बाद जो सातवां थाट अपना रहेगा भैरव थाट, और आठवां थाट रहेगा मारवा थाट, ठीक है। और नौवां थाट हम जो सीखेंगे पूर्वी थाट सीखेंगे, और दसवां थाट है अपना तोड़ी थाट। सो टोटल भारतीय संगीत में 10 थाट हैं जिनके ऊपर अपना पूरा म्यूजिक चलता है। अपने अभी तक जितने भी गाने हैं वो इन 10 थाट के ऊपर ही चलते हैं। और आगे आप जो लोग राग देखते हैं, जैसे राग शिवरंजनी हो गया, भोपाली हो गया, भैरवी हो गया, भीम प्लासी हो गया, है ना, बहुत सारे राग हैं, 5-6 हजार राग है पूरे म्यूजिक में। तो वो सारे राग इन किसी न किसी एक थाट में है। जैसे बिलावल में राग पहाड़ी आ जाता है, ठीक है जी। भैरव थाट में राग भैरव आ जाता है, अहीर भैरव आ जाता है। भैरवी में देखेंगे तो अपन राग भैरवी आ जाता है। इस तरीके के हर एक थाट में कोई ना कुछ राग है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये थाट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। सो अभी वन बाय वन चलते हैं, जिससे आपको बड़ा इजिली दिमाग में याद हो जाएगा कि ये थाट कैसे आप लोग याद कर सकते हैं, इनको कैसे बजा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो कि ये जिस सीक्वेंस से मैंने आपको लिख के दिखाया ना, सेम इसी सीक्वेंस से आपको याद करना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे बिला। एक ऐसा थाट है भारतीय संगीत में, एक इकलौता थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, वो है बिलावल थाट, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं बिलावल, ठीक है जी। ये एक इकलौता ऐसा थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा एंड देन नी एंड देन तार सप्तक सा। फिर वापिस में सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है जी। ये हो गया अपना बिलावल थाट। उसके बाद कौन से ऐसे थाट हैं जिसमें आपका एक स्वर का बदलाव हुआ है, ठीक है। एक स्वर के बदलाव वाले कौन से थाट हैं? तो एक है अपना कल्याण थाट, जिसमें एक ही स्वर का बदलाव है, और दूसरा थाट है अपना खमाज थाट। ये दो ऐसे थाट हैं जिनमें सिर्फ एक एक स्वर का बदलाव है। कल्याण में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, मा तीव्र का यूज करेंगे शुद्ध मा की जगह, और खमाज में क्या करेंगे, कोमल नी का यूज करेंगे शुद्ध नी की जगह, ठीक है। ये दो एक ऐसे इकलौते थाट है जिनमें एक एक स्वर का बदलाव है। आप याद कर सकते हैं इसलिए कि कौन से ऐसे थाट है जिसमें सिर्फ एक ही स्वर चेंज हो रहा है, तो वो है कल्याण एंड खमाज। कल्याण में अगर स्वर देखे जाए तो सा रे गा शुद्ध मा की जगह, जैसे कि मैंने कहा कि तीव्र मा यूज करेंगे, मा फिर पा देन धा एंड देन नी एंड देन तार सप्तक का सा। वापिस में तार सप्तक का सा नी धा पा तीव्र मा गा रे सा। ये तो हो गया कल्याण का सिंपल, ये आरो ये अवरो, ठीक है जी। देन सेम एज इट इज कल्याण में, सॉरी खमाज में, जैसे मैंने कहा कि एक ही स्वर का बदलाव है, वो है शुद्ध नी की जगह कोमल नी यूज हो रहा है। तो स्वर कैसे आएंगे, सा शुद्ध रे शुद्ध गा मा
पा शुद्ध धा और कोमल नी देन तार सप्तक का सा, सेम एज इट इज उल्टा कर देंगे, सा कोमल नी देन धा देन पा मा गा रे और फिर सा। ठीक है जी, पहला था बिलावल थाट, याद करने का सिंपल सा फंड है, पहला एक ही ऐसा इकलौता थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध है, वो है बिलावल। देन कौन से ऐसे थाट है जिसमें एक एक स्वर का बदलाव है, तो वो है कल्याण एंड खमाज। ये दो ऐसे थाट है जिसमें एक ही स्वर का बदलाव है, कल्याण में मा तीव्र है और खमाज में नी कोमल है। ठीक है जी, ओके। देन उसके बाद अगला तरीका क्या है, चौथा थाट है, उसके बाद कौन से ऐसे थाट हैं जिसमें दो स्वरों का बदलाव है। ठीक है, मैं आपको ये नेक्स्ट पेज में लिख के दिखाता हूं, दो स्वरों का बदलाव। ठीक है, एक तो है अपना भैरव थाट, ठीक है जी, इसमें दो स्वर बदले जाएंगे, एक तो कोमल रे यूज होगा और दूसरा होगा कोमल धा। ठीक है जी, देन एक है अपना काफी थाट, इसमें भी दो स्वर बदले गए हैं, कोमल गा यूज हो रहा है और कोमल नी यूज हो रहा है। ठीक है जी, और एक है अपने पास मारवा थाट, इसमें आपका रे कोमल यूज हो रहा है और मा तीवर यूज हो रहा है। ये तीन ऐसे थाट है जिसमें दो स्वरों का बदलाव। ठीक है जी, आप इसको चौथा थाट मान सकते हैं, पांचवा और छठवा। ठीक है, टोटल छह थाट हो जाएंगे अभी तक। अभी भैरव में देखिए कौन से स्वर हैं, जैसे कि मैंने कहा सा शुद्ध रे, शुद्ध रे की जगह हम कोमल रे यूज करेंगे, यहाँ पे कोमल रे है। ठीक है जी, देन शुद्ध गा, फिर मा, फिर पा, फिर कोमल धा, फिर शुद्ध नी और फिर तार सप्तक का सा, सेम एज इट इज। अवरोह में आ जाएगा सा शुद्ध नी कोमल धा देन पा देन मा देन शुद्ध गा कोमल रे और फिर सा। ये हो गया भैरव थाट। अभी काफी थाट में सा शुद्ध रे, शुद्ध गा की जगह कोमल गा आएगा, देन शुद्ध मा फिर पा फिर शुद्ध धा और शुद्ध नी की जगह कोमल नी एंड देन तार सप्तक का सा, सेम एज इट इज का अवरोह, सा कोमल नी धा पा देन मा कोमल गा रे और सा। ठीक है जी, ये हो गए अपने काफी थाट। ठीक है जी, नहीं उसके बाद अगला थाट है मारवा थाट। मारवा थाट में दो स्वर बदले गए हैं, सा शुद्ध रे की जगह कोमल रे है, शुद्ध गा है और शुद्ध मा की जगह तीव्र मा है, फिर पा फिर शुद्ध धा फिर शुद्ध नी और फिर तार सप्तक का, सेम देन इसका उल्टा अवरोह, सा नी धा पा तीव्र मा शुद्ध गा कोमल रे और सा। ठीक है जी, ये तीन ऐसे थाट हैं जिसमें दो स्वरों के बदलाव है, दो स्वर बदले गए हैं। ठीक है, जैसे कि पहले वाले ऐसे दो थाट थे जिसमें एक ही स्वर बदला गया था, ये दो ऐसे थाट थे। ठीक है, अभी छह थाट आपके, अगर इतना समझ गए तो आप छह थाट इजिली अंडरस्टैंड कर सकते, एक तरीके का रट्टा लगा सकते, याद कर सकते। वैसे रट्टा लगाने वाली कोई बात नहीं, इसको परमानेंटली याद कर लीजिए कि दो स्वर वाले कौन से थाट हैं जिसमें दो स्वरों का बदलाव है, एक एक थाट एक स्वर वाला कौन सा है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देन उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो है अपना तीन स्वर वाले, यानी कि दो एक वाला भी हो गया, एक तो हमने पहला किया जिसमें कोई बदलाव नहीं है वो बिलावल हो गया, फिर हमने एक स्वर बदलाव वाला किया जिसमें कल्याण और खमाज आ गए, फिर दो वाला कर लिया, दो में हमारा आया भैरव काफी और मारवा, अभी तीन वाला देखेंगे जिसमें तीन स्वरों का बदलाव है, चलिए वो देखते हैं। तीन वाले में देखा जाए तो सबसे पहले आएगा आसावरी थाट। ठीक है जी, आसावरी में जो स्वर बदले गए, एक तो गा कोमल यूज होगा शुद्ध गा की जगह, दूसरा कोमल धा यूज होगा और तीसरा आपका कोमल नी यूज होगा। ठीक है जी, इसका आरोह देख लीजिए, सा शुद्ध रे कोमल गा शुद्ध मा उसके बाद पा फिर कोमल धा फिर कोमल नी एंड देन तार सप्तक का सा, उल्टा कर दीजिए, सा कोमल नी कोमल धा देन पा मा कोमल गा रे एंड सा। ठीक है, उसके बाद अगला थाट, इसके बाद आएगा पूर्वी थाट।
ठीक है जी। पूर्वी थाट में भी तीन स्वरों का बदलाव है, एक तो कोमल रे यूज होगा जी, एक आपका तीव्र मा यूज होगा और एक आपका कोमल धा यूज। ठीक है जी। पूर्वी में देखते हैं सा, शुद्ध रे की जगह कोमल गा, शुद्ध गा और शुद्ध मा की जगह तीव्र मा, और फिर पा, फिर शुद्ध धा की जगह कोमल धा, फिर शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। ठीक है जी। देन सेम है जिस उल्टा कर दीजिए, सा नी कोमल धा पा तीवर मा शुद्ध गा कोमल री और सा। ठीक है, ये दो ऐसे थाट हैं जिसमें तीन स्वरों का बदलाव है, मतलब कि तीन स्वर चेंज हुए। ओके जी, ओके, ये भी हो गया। देन आखिर में बचते हैं हमारे पास दो थाट, एक तो है भैरवी थाट। भैरवी थाट में चार स्वर आपके चेंज होंगे। ठीक है, एक तो आपका कोमल रे यूज होगा, कोमल गा यूज होगा, कोमल धा यूज होगा और कोमल नी होगा, मतलब कि ये ऐसा थाट है जिसमें चार स्वरों का बदलाव है। ठीक है जी। अभी इसका आरोह देख लीजिए, सा कोमल रे कोमल गा देन शुद्ध मा फिर पा कोमल धा कोमल नी और तार सप्तक का सा। सेम एज इट इज उल्टा कर दीजिए, सा कोमल नी कोमल धा पा मा कोमल गा कोमल रे सा। ठीक है जी। देन आखिर में हमारे पास बचता है तोड़ी थाट, इसमें भी चार स्वरों का बदलाव होगा। देखिए कौन से हैं, एक तो कोमल रे यूज होगा, कोमल गा यूज होगा, तीव्र मा यूज होगा और कोमल धा यूज होगा। ठीक है जी। इसमें आरोह देखिए, सा कोमल रे कोमल गा तीव्र मा पा कोमल धा शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। सेम एज इट इज उल्टा कर दीजिए, सा शुद्ध नी कोमल धा पा तीव्र मा कोमल गा रे और सा। ठीक है, ये ऐसे दो थाट हैं जिसमें चार स्वरों का बदलाव है। ठीक है जी। किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक जो मैंने आपको 10 थाटों को थोड़ा इजी करके बताया कि आप कैसे याद कर सकते, याद करने का यही तरीका है कि आप याद करिए कि कौन से थाट है जिसमें दो स्वर बदले गए, एक बदला गया, तीन बदले गए, चार बदले गए, बस टोटल 10 थाट हो गए। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ बाई चांस अगर किसी को नहीं समझने लगा। देखिए सबसे पहले हमने सीखा बिलावल थाट। बिलावल थाट एक ऐसा थाट है जिसमें कोई स्वर का बदलाव नहीं, नॉर्मली सारे स्वर शुद्ध है, वो है बिलावल थाट। ठीक है, देन उसके बाद कौन से ऐसे दो थाट है जिसमें एक ही स्वर का बदलाव, एक है कल्याण एक है खमाज। कल्याण और खमाज में एक ही स्वर का बदलाव, कल्याण में मातीवर यूज हो रहा है और खमाज में कोमल यूज हो रहा है। ठीक है जी। नहीं, उसके बाद हमने सीखा कि तीन कौन से ऐसे थाट है जिसमें तीन स्वरों का बदलाव है, सॉरी इसके बाद आई थिंक एक स्वर हो गया, उसके बाद आई थिंक दो वाला बाकी था ना, सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख गया। हाँ ठीक है, तीन ऐसे थाट है जिसमें दो स्वरों का बदलाव है, जैसे कि भैरव है, काफी है, मारवा, इनमें दो दो स्वर चेंज हुए हैं। ठीक है जी। भैरव में रे और धा कोमल है, काफी में गा और नी कोमल है, और मारवा में रे और मातीवर है। ठीक है जी, ये हो गया। देन उसके बाद अपना अगला थाट था तीन स्वरों वाला, जिसमें तीन स्वरों का बदलाव था, वो है आशावरी एंड पूर्वी। आशावरी में गाधा नी कोमल है और पूर्वी में रे मा धा कोमल। ठीक है, रे कोमल मातीवर और कोमल धा। और आखिर में हमारे पास एक थाट जो मैंने आपको अभी बताया, दो थाट बचते हैं, भैरवी एंड तोड़ी थाट। भैरवी में चार स्वर कोमल है, रे गा धा नी, और तोड़ी में रे गा तीव्र मा और धा। ठीक है जी, ये टोटल आपके 10 थाट हो गए। किसी को कोई सवाल, मन में कोई कंफ्यूजन, आई होप कि क्लियर हो गया, मैंने बड़े सिंपल तरीके से बताया आपको। ठीक है, देन अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि थाट में कौन से। हाँ जी सुरेश जी बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो। जी सर सर मैं जी बोल रहा हूँ कि ये जो सीरीज आपने बनाया है 1 से 10 तक, हाँ तो दूसरा और तीसरा कल्याण और खमाज आपने साथ में लिया है, मतलब एक एक वाला साथ में, और काफी असौरी काफी, और फिर दो दो वाला साथ में नहीं लिया आपने, दो वाला पहले काफी लिया, फिर बीच में असौरी लिया, फिर भैरवी लिया, दो तीन चार, फिर से वापस दो वाला, तो मतलब ये सीरीज के शायद पीछे। मैं बताने में कुछ कंफ्यूजन करके आऊंगा, मैं एक बार दोबारा चेक करता हूँ। पहले हमने बिलावल करा, ठीक है जी, फिर एक एक हाँ स्वर सर, वाला किया जो कि कल्याण और खमाज आ गया अपना। ओके, देन हाँ उसके बाद हमने किया कौन सा ऐसा थाट जिसमें, देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने पहला वो थाट पकड़ा जिसमें कोई स्वर नहीं चेंज है, फिर वो पकड़ा जिसमें एक एक स्वर चेंज है, वो है अपना कल्याण एंड खमाज, फिर
फिर हमने पकड़ा कि कौन से थाट जिसमें दो स्वर चेंज है, दो वाले हो गए भैरवी काफी और मारवा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गए तीन वाले पे जिसमें तीन स्वरों का बदलाव है, तो वो लिख दिया। फिर उसके बाद चार वाले पे आ गए, स्टेप बाय स्टेप चल रहे ना, पहले एक वाला हो गया, फिर दो वाला हो गया, फिर तीन वाला हो गया, फिर चार वाला हो गया। हाँ ये सर ये ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले जब इस मतलब एक वाला दो वाला ये लिस्ट है ये सर, हाँ ये सीरीज बिल्कुल, वो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कौन से थाट में कौन से स्वर लग रहे हैं और कौन से ऐसे थाट जिसमें जितने जितने स्वर चेंज है, ठीक है। मेन हमें जो याद करना है वो ये चीज याद करनी है, बजाना अगर बजाना सीखना चाहते हैं ना 10 थाट बैक टू बैक, तो ये फॉर्मूला आपको काम देगा, ठीक है। वो देखिए मैं आपको वो चीज बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिलावल थाट बजाएंगे, तो बिलावल में क्या है, सारे स्वर शुद्ध हैं, ठीक है। उसके बाद हम बजाएंगे जिसमें एक स्वर चेंज है, जैसे कल्याण हो गया, खमाज हो गया, तो पहले कल्याण, फिर खमाज, हो गया ना, सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं मैं, ठीक है। पहले बिलावल हो गया, फिर कल्याण हो गया, फिर खमाज हो गया। उसके बाद अभी जाएंगे दो स्वर के ऊपर, दो स्वर में हम क्या करेंगे, काफी बजाएंगे, भैरव नहीं बजाएंगे, भैरव वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं भैरव बजाएंगे। तो उसके बाद दो वाला लेंगे हम काफी थाट, काफी में गाव नहीं है, तो मैंने तीन ये बजा दिए, पहले बिलावल बजाया, फिर आपको कल्याण बजा के दिखाया, फिर खमाज बजाया। उसके बाद चौथा हम बजाएंगे काफी थाट, जो कि मैंने आपको इस पेपर के ऊपर लिख के दिखाया है, ठीक है। तो काफी में गाव नहीं कोमल, इसके बाद हम बजाएंगे आसावरी थाट जिसमें तीन स्वर कोमल है, यानी कि गा धा नी, ठीक है। सा रे गा कोमल, फिर मा पा कोमल धा कोमल ता सतो। इसके बाद बजाएंगे चार स्वर वाला, यानी कि भैरवी थाट, आसावरी के बाद आएगा भैरवी थाट जिसमें चार स्वर कोमल है। अभी देखिए अभी कोमल रहने लग गया, तो अभी आपको भैरव बजाना इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसी टाइम अगर आपको काफी के बाद तुरंत भैरव में ले जाता तो अब आप कंफ्यूज हो जाते, अभी आपको पता है कि कोमर रे हमने बजाना शुरू कर दिया, तो अभी आपका कोमर रे शुरू हो जाएगा, यानी कि भैरव थाट कर देंगे ऐड। फिर उसके बाद आ जाएगा मारवा थाट, मारवा में भी दो कोमल है, एक कोमर रे और एक मातीवर है, हो गया मारवा आ गया, ठीक है जी। मारवा के बाद हम बजाएंगे पूर्वी थाट, पूर्वी थाट में आपका रे कोमल है, मा तीवर है और धा कोमल है, ये हो गया मारवा आ गया, ठीक है। मतलब कि मैंने कोमल रे वाले एक साथ कर दिए, ठीक है, ताकि आपको बजाना इजी हो जाए। बाद में अगर मान के चलिए मैं क्या बोलते हैं काफी के बाद भैरव बजा रहा, तो फिर बाद में आपको कंफ्यूज हो जाते, तो अभी क्या कि सारे कोमल वाले कोमल रे वाले एक पास एक साइड पे हो गए और शुद्ध वाले एक साइड पे हो गए, तो आखिर में आपके पास बचेगा तोड़ी थाट, तो उसमें आपका रे गा धा नी मा तीव्र कोमल है, ठीक है जी। अभी ये जिस सीक्वेंस से मैंने आपको लिख के दिखाया था ना शुरुआत में, मैंने उसी सीक्वेंस में बताया, पहले बिलावल, फिर कल्याण, फिर खमाज, फिर काफी, फिर आसावरी, भैरवी, भैरव, मारवा, तोड़ी, पूर्वी और तोड़ी, इस सीक्वेंस से मैंने आपको बता के दिखाया। अभी बात आती है कि आपको याद कैसे होंगे, कैसे आपको मतलब कि फट एक्चुअल में क्या कि ये आपके बैक टू बैक बजने, बैक टू बैक बोले तो ऐसे बजना चाहिए, जैसे मैं बजा के दिखाता हूँ, ऐसे बैक टू बैक बजना चाहिए, यानी कि पहले से शुरू किया दसवें पे खत्म, बजना आपका ऐसा चाहिए। अभी ये चीज आप भी कैसे बजा पाएंगे, तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हैं। आप पहले क्या करिए, बिलावल थाट को पकड़िए, उसको 10 बार बजाइए, जो भी स्पीड आप जिस स्पीड में आप कंफर्टेबल हो, भले आप स्लो में कंफर्टेबल हो, भले मीडियम में कंफर्टेबल, भले फास्ट में, सपोज करिए मैं एक नॉर्मल स्पीड ले रहा हूँ, जैसे मैं ये स्पीड ले रहा हूँ, तो इस स्पीड में 10 बार बिलावल बजाऊंगा, दस बार मैंने इसको बजा लिया, और उसके बाद मैं एक थाट और ऐड कर दूंगा, यानी कि इसके साथ मैं खमाज ऐड कर दूंगा, खमाज को 10 बार बजाऊंगा, दस दस बार बजाएंगे।
हाँ कल्याण हो गया। हाँ दस दस बार बजाएंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। 10 बार अगर आपने बिलावल बजा रहा है तो आपको उस पैटर्न में हाथ बैठ जाएगा, 10 बार कल्याण बजा रही है तो आप उसका पैटर्न बैठ जाएगा। अभी क्या करना है, 10 10 बार बजाने के बाद अभी आपको बैक टू बैक बजाना है, पहले बिलावल बजाना, तुरंत कल्याण पे शिफ्ट करना है। फिर इसी चीज को 10 बार बजाइए, मतलब कि दोनों थाट को बैक टू बैक, टोटल 5 बार वो बजेगा, टोटल 10 बार बजाइए, मतलब बैक टू बैक जैसे अभी बजा रहे हैं ना। दस दस बार बजाइए, ठीक है, हाथ बैठ जाएगा। फिर उसके बाद एक और थाट ऐड कर दीजिए, यानी कि अगला थाट है अपना खमाज थाट, तो उसको 10 बार बजाइए, फिर उसको ऐड कर दे, फिर तीनों को एक साथ बजाइए 10 बार, फिर एक और ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आप बाद में जब आपका ये पूरा तैयार हो जाए, फिर आपको एक ही टेक में सारे थाट बजाने। इस तरीके से करेंगे तो याद भी हो जाएगा, फिंगर्स भी अच्छी हो जाएंगी, ये एक्सरसाइज फिंगर्स के लिए भी है, दूसरा आपको थाट भी याद हो जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, किसी और को कोई कंफ्यूजन है जी, कोई सवाल है मन में, कोई कंफ्यूजन, कोई मन में सवाल थाट को लेके, ठीक है जी। देन पहली चीज तो आप ये सारे एक्सरसाइज करिए, सारे 10 के 10 आप थाट बजाइए, ठीक है जी। इसी तरीके से चलिए जिस तरीके से मैंने आपको लिख के दिखाया ना, पहले आप बिलावल करिए, फिर कल्याण, इस तरीके से 10 के 10 आप थाट याद करिए, बजाइए बैक टू बैक, इसको मेट्रोनोम के साथ भी बजाइए, ठीक है। हो सके तो आप ताल कहरवा लगा लीजिए, 3 ताल लगा लीजिए, उसके साथ भी बजाएंगे। फिंगर्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि देखो आप 12 के 12 स्वर बजा रहे हो, ठीक है, पहले शुद्ध बजा रहे हो, फिर कल्याण बजा रहे हो, तीव्र बजा रहे हो, फिर कोमल बजा रहे हो, फिर कोमल और शुद्ध बजा रहे हो, मतलब ये मिक्स बजा रहे हो स्वर, है ना, तो इससे फिंगर्स अच्छी होती है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, मैंने लगभग आई थिंक 40 50 अलंकार करवा दिए, ठीक है। उसके बाद इन्हीं थाटों में वो 50 के 50 अलंकार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए डेली। आप मान चलिए एक थाट पकड़िए, एक थाट जैसे आपने सुबह पकड़ लिया, एक थाट आप अगर 2 टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, सुबह आप बिलावल पकड़ लीजिए, शाम को आप खमाज कल्याण पकड़ लीजिए, अगले दिन आप खमाज पकड़ लीजिए, उसके साथ काफी पकड़ लीजिए, है ना। तो 10 10 अलंकार करते जाइए डेली, है ना। जब आपके 10 अलंकार सभी 10 थाटों में हो जाए, फिर आप एक और मतलब कि 5 6 अलंकार और ऐड कर दीजिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप इन सारे अलंकारों को प्रैक्टिस करें। एग्जांपल के लिए जैसे मैं आप बजा के दिखा देता हूँ, जैसे मान के लिए बिलावल में तो आप अलंकार बजा ही रहे थे, अभी सपोज करिए आपको कल्याण में बजाने, अलंकार वही रहेंगे, बट क्या है कि हम शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ करेंगे। जैसे हमने पहला अलंकार किया था सारे गाँव पादा नहीं सारी माँ करे, तो देखिए हो गया पहला अलंकार, दूसरे में 2 2 थे, तीसरे में 3 थे, चौथे में 4 थे, सेम एज इट इज ये सारे अलंकार आप इसमें करिए। फिर उसके बाद खमाज थाट लीजिए, खमाज में जैसे कि आपको पता नी कोमल है, अलंकार वही रहेंगे, बस क्या करना है शुद्ध नी की जगह हम कोमल नहीं कर देंगे, जैसे कि हम बजा रहे हैं। एटलीस्ट पहले 10 अलंकार, 50 अलंकार में से 10 10 अलंकार आपके हर एक थाट में बजे होने चाहिए, ठीक है। और बोल बोल के बजाइए, अच्छी स्वर गेन के लिए, गाना निकालने के लिए मेन जो चीज चाहिए हमें थाट का मालूमात होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से थाट में कौन से स्वर लगते हैं। आगे चल के जब आप गाने बजाएंगे तभी आप पकड़ पाएंगे कि ये गाना कौन से थाट से है ना, गाने में कौन से स्वर लग रहे हैं, वो चीज आप तभी अनुभव कर पाएंगे जब आपको थाटों के स्वर पता होंगे। सपोज करिए मान के चलिए कोई गाना भैरवी थाट का है या फिर भैरवी राग का गाना है,
आपको भैरवी राग के स्वर ही नहीं पता, तो आप कैसे एज्यूम करेंगे कि इस राग गाने का राग भैरवी है? ठीक है जी। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, ये जो 10 थाट हैं ये खुद ब खुद राग भी हैं, ठीक है, मतलब कि अपने थाट के मेन राग है। जैसे थाट बिलावल का मेन राग हो गया राग बिलावल, राग थाट बिलावल का सबसे मेन राग हो गया राग भैरव, ठीक है, भैरवी थाट का सबसे मेन राग हो गया राग भैरवी, ठीक है, भैरवी राग, ऐसे ये 10 के 10 राग भी हैं। इन थाटों के अंदर बहुत सारे गाने आते हैं, करोड़ों गाने हैं, मतलब कि मैं अगर गिनने बैठ जाऊँ तो मतलब कि पूरी सुबह हो जाएगी, इतने गाने हैं, ठीक है, गिना नहीं सकता आपको। तो बेसिकली मेन पर्पज क्या है कि पहले तो आप इन थाटों को याद करिए कि कौन से थाट में कौन से स्वर लगते हैं, ठीक है। भले आप इसको पिक्चर को मतलब कि आप अपने जहां पे भी आप प्रैक्टिस करते हो उसके सामने वो ये जो पिक्चर्स है जो मैंने आपको लिख के दिखा था, इसका पिक्चर आप सामने लगा के भले ही 2 थाट भी अगर आप डेली के याद करेंगे ना, तो 5 दिन में आप 10 थाट याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेन आपका काम शुरू होगा गानों का, ठीक है। गाने आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपको पता होगा कि ये गाना फलाने थाट का है, फलाने थाट में कौन से स्वर लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान चलिए हम एक गाना ले रहे हैं तुम दिल की धड़कन में, ठीक है। हमने पहले क्या किया, हमने गाना निकालने के लिए हमने सॉरी मेन चीज क्या है कि गाने का राग पता करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या है कि गाने का स्केल सही पता होना चाहिए। अब मैं आपको उसका भी कारण बताता हूँ। लोगों को अक्सर ना राग में कंफ्यूजन हो जाती है। कारण क्या है, अगर आप कोई गाना बजा रहे हो यहां से, जैसे मैं यहां से गाना बजा रहा हूँ तुम दिल की धड़कन, जैसे मैंने ये गाना बजाया, ठीक है, अगर मैंने इसका सही स्केल लेके गाना बजाया तो मैं इसका सही राग पता कर पाऊंगा, सही थाट पता कर पाऊंगा। अगर मैंने इसका सही स्केल, मैंने मान के चलो एज्यूम ही स्केल ही मान के चलो, गाने का जो स्केल ओरिजिनली जो बन रहा है पहली काली बन रहा है, अगर आप उसको समझ रहे हो कि ये गाना मेरा कहीं और से उठ रहा है, तो आप सही राग का अनुमान नहीं लगा पाएंगे, सही थाट का भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यही चीज मैं आपको और क्लैरिफाई करता हूँ, जैसे कि मान चलिए अभी मैंने यहां से बजाया गाना ये तुम दिल की, अगर मैं यही गाना यहां से बजाता हूं तीसरी कल से, अभी कुछ लोग क्या करेंगे इसको मा समझेंगे कि गाना मा से उठ रहा है, तो वो क्या बनाएंगे नोटेशन, माधा सा वो नोटेशन ये बनाएंगे। एक्चुअल में ये नोटेशन नहीं बनेगी, नोटेशन बनेगी अगर मैंने यहां से गाना उठाया ना तो ये मेरा गाने का सा है, तो मतलब कि इस रिकॉर्डिंग ये सा हो गया, ये कोमल रे हो गया, ये शुद्ध रे हो गया, ये कोमल गा शुद्ध गा तीव्र मा पा कोमल गा, अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तभी आप सही राग का पता कर पाएंगे, नहीं तो आप गलत राग का अनुमान लगाएंगे, ठीक है जी। मेन वही चीज मैंने कही कि सही स्केल का अगर आपको सही अनुमान होगा तभी आप सही थाट को पता, अभी थाट कैसे पता चलेगा, राग कैसे पता चलेगा कि हमें ये गाना कौन से राग में, वो भी देख लीजिए। जैसे मैं पहली गाली से बजा रहा तो मैंने क्या किया, तो मैंने क्या किया पहली लाइन को बजाते हुए स्वरों को नोटिस कर लिया, तो मैंने नोटिस किया सा गा पा मा गा, मतलब कि देख लिया मैंने, एक तो मेरा सा लग रहा है, एक गा शुद्ध लग रहा है, एक मा तीव्र लग रहा है और पा लग रहा है, जैसे मैंने ये लाइन में पहली लाइन में ये लग रहा है, यानी कि शुद्ध रे भी लग रहा है, मतलब कि टोटल देखा तो 1 2 3 4 5 पांच स्वर तो मेरे को मिल गए। अभी आगे देखिए इसमें नी शुद्ध भी लग रहा है, तो सिंपल पता चल गया कि ये खमास थाट का सॉरी कल्याण थाट का गाना है, ऐसे पता चलता है, ठीक है। धीरे धीरे आप ऐसे अनुभव करेंगे, थाटों को पकड़ेंगे बजाएंगे तभी आप अनुभव कर पाएंगे कि इसका राग कौन सा है। धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपने इसी के अंदर और बहुत सारे गाने बजाए, तो फिर आपको साउंड से पता चला, अभी तो एक टेम्परेरी आपको स्वरों को देख के अनुभव करना पड़ेगा कि इसका राग कौन सा है, ठीक है, इसका थाट कौन सा है। लेकिन कुछ टाइम में जब आप इसी राग इसी थाट के 50-60 गाने बजा लेंगे ना, तो फिर आप सुन के बता देंगे कि ये गाना थाट कल्याण का है, ये गाना थाट भैरवी का है, ये गाना थाट बिलावल का है, तो सुन के पता कर सकते हैं। लेकिन वो आएगा कैसे, जब आपने थाट बजाए होंगे, थाटों के स्वर पता होंगे, तभी आप अनुमान लगा पाएंगे। जी सुरेश जी बोलिए।
सर मैं बोला कि सर पहला जो बटन जहां से हम गाना शुरू करेंगे वो हमेशा मतलब सा ही होगा, ऐसा मान के चले स्केल, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता सर जी, क्योंकि कभी कभी एफ शार्प से अगर शुरू हो रहा है, एक्चुअली एफ शार्प से शुरू हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं है कि वो एफ शार्प से शुरू हो रहा है, अपन सी शार्प से उसको स्टार्ट किया तो सी मतलब सी शार्प ही उसका सा होगा ना सर। अभी एक चीज मैं आपको और क्लियर करता हूँ, आपको थोड़ा मैं कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गाने की ऐसे जरूरी नहीं है कि जैसे मान के लो कोई गाना मां से उठ रहा है, एफ शार्प से उठ रहा है, वो उस गाने का सा हुआ। जरूरी है कि गाना अगर एफ जी शार्प से उठ रहा तो गाने का सा वो नहीं, वो चीज नहीं है। अभी एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैं सी शार्प खेल रहा हूँ, सी शार्प माइनर स्केल, हो गया एक माइनर स्केल, ठीक है। अभी मैं गाना देखिए कहां से उठा रहा हूँ, तो देखिए मैं गाना बजा रहा हूँ बाहर फुल बरसा, लेकिन वो गाना उठ रहा है पा से, तो आप इसको ये नहीं बोलोगे कि इसका जो स्केल है वो पा है, स्केल इसका सी शार्प है। मतलब ये कहने का हुआ कि गाना कहीं से भी उठ सकता है, जरूरी नहीं कि गाना सा से उठेगा, गाना कहीं से भी उठ सकता है, सा से भी उठ सकता है, कोमल गा से भी उठ सकता है, शुद्ध गा से भी उठ सकता है, शुद्ध रे से भी उठ सकता है, कहीं से भी उठ सकता है, लेकिन आपको सही स्केल का अनुमान होना चाहिए, ठीक है। स्केल का मतलब क्या हुआ कि एक रेंज पकड़ी आपने, जैसे ये पहली काली पकड़ी, इस पहली काली की रेंज इस पहली काली तक है, ये एक स्केल हो, ठीक है। इसमें कोई भी सेट ऑफ नोट्स आ सकता है, सेट ऑफ नोट्स बोले तो जैसे बिलावल हो गया, ये एक सेट ऑफ नोट्स है, भैरवी हो गया, ये एक सेट ऑफ नोट्स है, जिसे हम राग बोल देते हैं, या फिर सिंपल भाषा में थाट बोल देते हैं, या राग बोल देते हैं, ये क्या है, बेसिकली एक स्केल्स है। भले आप यहां से बजाओ, भले आप यहां से बजाओ, भले यहां से बजाओ, भले यहां से बजाओ, ठीक है। हाँ जी अजय जी, आप आ गैलेक्सी जी, आप करिए सर अनमिट जी। सर जो ये आपने तुम इसकी धड़कन को सी शार्प से बजाया तो सर ये खमा थाट होगा, अगर सर तीसरी काली से बजाते तो सर कौन सा थाट होगा ये? सर कौन से गाने की बात कर रहे हैं? ये तुम दिल की धड़कन को जो सर अभी आपने बजाया है तीसरी काली देखिए, तीसरी काली से कल्याण ही हुआ, खमाज कैसे हो गया? देखिए कल्याण हो गया ना, माँ तीव्र लग रहा है इसमें, देखिए माँ तीव्र लग रहा है इसमें। अभी ये सा है अपना, जिस जहां से हमने इस गाने का शुरुआत ही सा, यानी कि स्केल अपने स्केल से ही ये गाना उठ रहा है, ठीक है। ये खमाज नहीं, कल्याण था अपने। हाँ जी तनवीर जी, आप बोलिए। गुड हाँ जी सर, गुड इवनिंग इवनिंग जी। सर एक्चुअली जैसे आप स्केल के बारे में बता रहे थे तो मैं ये जनरली मेरा ये प्रैक्टिस रहता है कि मैं जब भी कोई गाने का स्केल पता करता हूँ या फिर जब कोई गाना बजाना स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले मैं हमिंग करता हूँ और सारे स्केल्स पे एक बार नोट्स प्रेस करके चेक करता हूँ कि जिस भी नोट से स्टार्ट हो रहा है तो वो उसका रूट नोट बन जाता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं वहां से उससे आगे लेके 7 तक, मतलब जो 12 हमारे कीज होती है टोटल एक उसमें, उसको मैं एक स्केल मान के चलता हूँ। तो ये राइट प्रैक्टिस है ना सर? नहीं, सर जी पता है कि ऐसा नहीं होता, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि देखो जरूरी नहीं कि अगर आपने इसको रूट नोट मान लिया तो यहीं से आपका गाना उठेगा। उसी जी जी मैं यही कह रहा हूँ यहाँ एग्जांपल से के लिए मैंने गाना। बताया कि जैसे मैं अभी ये गाना बजा रहा था बाहर फूल बरसाओ, ये गाना तो पास उठ रहा है, तो फिर हाँ आपका जी, रूट सिस्टम गलत हो गया। नहीं नहीं सर, जब मैं हमिंग करके हमिंग करता हूँ उससे पहले, जैसे आप कोई भी गाना गाते हैं तो तुम दिल की मैं आपको सिंपल फंडा धड़कन बताता हूँ सभी के लिए। देखिए गाना निकालने के लिए, उसका स्केल पता करने के लिए दो तरीके हैं। गाना हमेशा दो स्केल्स में होता है, या तो गाना मेजर स्केल में होगा या फिर माइनर स्केल में, ठीक हाँ जी हाँ जी है। सिंपल सा फंड है, आप कोड लगा दो, जैसे मैंने अभी एग्जैक्टली सी शार्प मेजर कोड लगाया, तो पता चल गया ये गाना इसी स्केल का है, मेजर स्केल का, और ये गाना सा से उठ रहा है, ठीक है। दूसरी जी चीज मान चलो, ये गाना अगर सा से नहीं उठ रहा होता, लेकिन कोड तो मैच करेगा, लेकिन वो स्वर कोई और होगा, तो आपको राइट एटलीस्ट स्केल तो कंफर्म होगा कि हाँ मेरा जो स्केल है वो सी शार्प ही है, लेकिन गाना सी शार्प से नहीं उठ रहा, गाना किसी और स्वर से उठ रहा है, या तो वो शुद्ध रे से उठ रहा है, या तो वो शुद्ध गा से उठ रहा है, या कोमल, ऐसे मतलब कि स्वर अलग हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। माइनर स्केल का
का गाना होगा, जैसे गुलाबी आंखें हो गई है ना, जैसे मेरे रश्क की कमर होगा, ये गाने माइनर स्केल के हैं, ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो सिंपली आप कोड लगाइए सागा पा मतलब कि सा शुद्ध गा और पा, ये हो गया मेजर कोड। आप कोमल गा और पा लगाइए, ये हो गया माइनर कोड। मतलब कि आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपका स्केल कौन सा है। आपको इतनी समझ हो जाएगी कि हाँ अगर मेरा ये गाना सा से नहीं होता तो मतलब कोई डेफिनेटली मुझे कोई और स्वर ढूंढना है। तो मतलब ये जो बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक स्केल में अगर बजा रहे हैं, एक स्केल का गाना है, बट हम उससे पहले किसी और की को उसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो बस उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए बस करते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक है सर। एक और सर मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, जो क्रोमैटिक स्केल्स होते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्या होता है सर उसका? मैंने अभी तक नोटिस किया ना जी, अगर अपन वेस्टर्न के हिसाब से चले तो गिनती के 4-5 स्केल ही। अच्छा, लेकिन वेस्टर्न में पूरा संगीत नहीं आ सकता। तो वेस्टर्न में तो आप एक ही नाम दोगे, जब मेजर है, जब माइनर है, जब क्रोमेटिक स्केल है ना, तीन ही नाम है और कुछ चौथा नाम ही नहीं। लेकिन अगर इंडियन में चले जाएं तो हजारों राग है। लेकिन आपको इंडियन के हिसाब से चलना चाहिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा। वेस्टर्न की भी नॉलेज होनी जरूरी है। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि वेस्टर्न में क्या है कि उनमें रीजन नहीं है, हर एक चीज का रीजन नहीं है, ठीक है। इंडियन में क्या है कि आपके जैसे देखो 5000 राग है, 5000 रागों के देख लो कितने कितने स्वर हो गए, कौन से गाने हैं, तो वो आप याद रखेंगे। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि 10 थाट जो आप जो इंसान याद रख लेता है ना, वो कोई भी गाना बजा सकता है। उनमें आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, भले ही आपको कुछ भी नहीं पता, माने चलो आपको कोई पता नहीं है कि मेजर क्या है, माइनर क्या है, ठीक है, आपको कुछ हवा ही नहीं है किसी भी चीज की, आप फिर भी गाना बजा सकते हो। ऐसे भी लोग हैं जो पुराने जमाने के जो बजाते हैं, ठीक है, तो वो भी बजाते हैं गाने, ठीक है। उन्होंने कौन सा थाट सीखे, उन्होंने कौन सा राग सीखे है, एक नॉर्मली देखा जाए तो, ठीक है ना, तो वो भी तो एक चीज है ना, वो भी तो बंदे बजा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं बजा पा, तो कारण यही है। एक्चुअली सर मेरा पूछने का रीजन है क्योंकि मैं जब कोई भी गाने के लिए ट्रैक जब करवाता हूँ ना, तो वो उसमें डाल के देते हैं, कई बार मेजर लिखते हैं, माइनर लिखते हैं, या फिर उसमें क्रोमैटिक, मतलब यही हो गया ना, मतलब कि उसमें सारे स्वर आ गए, मतलब कि तीव्र शार्प भी आ गए, फ्लैट भी आ गए। अच्छा, जो मतलब मेजर और माइनर से हट के कुछ भी होगा उसको क्रोमैटिक बोलते हैं। जी 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 जी, मतलब कि जैसे कि अपन करते हैं ना, खिचड़ी हो गई, वो खिचड़ी हो गई, अपन भारतीय संगीत में बोल देते हैं मिश्र राग। अच्छा अच्छा, मिक्स स्वर खिचड़ी हो गई एक तरह की, खिचड़ी, हाँ वही चीज है ना, कि अगर आप उसको समझ तो क्रोमैटिक समझ लोगे, है ना। लेकिन क्या कि भारतीय संगीत में उस चीज का नाम है कि ये फलाना राग है, उसमें मिक्स स्वर ये लग रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये चीज है, वो मिश्र हो गई, एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। मेजर तो समझ में आ गया कि शुद्ध स्वर लगेंगे उसमें, माइनर आ गया उसमें लगता है कि लगभग 50% मतलब 2-3 कॉमन स्वर भी हो सकते हैं, शुद्ध स्वर भी हो सकते हैं, लेकिन क्रोमैटिक में कुछ भी हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है, कोमल भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे कि कीबोर्ड है और हारमोनियम है, तो दोनों में अगर मान लेते मैं हारमोनियम सीख रहा हूँ, तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि मैं कीबोर्ड भी सीख रहा हूँ, मतलब कि कीबोर्ड भी मैं बजा सकता हूँ। कीबोर्ड बजाना भी ना एक अलग चीज है। देखो मैं भी पियानो नहीं, पियानो स्टाइल नहीं बजाता, मैं बजाता हूँ कीबोर्ड स्टाइल, जैसे लोग जागरण में बजाते हैं, स्टेज में बजाते हैं। कीबोर्ड में भी सीखने के बहुत सारे लेवल होते हैं। एक होता है पियानो स्टाइल, मतलब कि दोनों हाथ से वो बजा रहे हैं, खाली पियानो बजा रहे हैं, वो मतलब कि अपने टाइप का नहीं बजा सकते, हम उनके टाइप का नहीं बजा सकते, क्योंकि उन्होंने उसी टाइप का सीखा हुआ है, हमने उस टाइप का सीखा है। तो हम हारमोनियम भी बजा सकते हैं, कीबोर्ड भी बजा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पियानो ही बजा सकते हैं। राइट राइट, उनको नोट्स की जरूरत पड़ती है देखने की, राइट? हाँ, मतलब कि वो डिपेंडेंट है, हम लोग डिपेंडेंट नहीं, हम कुछ भी मिले हम उसको बजा सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसमें कॉर्ड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन वो एक चीज के स्टक है। जी बिल्कुल, माइनर स्केल और मेजर स्केल एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली सर जी, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैंने ऐसे आपको थॉट बताए हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए माइनर स्केल और मेजर स्केल में क्या फर्क होता है, आप जान लीजिए।
दो तरीके के स्केल है, तो स्केल वैसे तो बहुत तरीके के हैं। स्केल मतलब कि सिंपल भाषा बोलो, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ नोट्स को स्केल कहा जाता है, उसमें कोई भी स्वर लग सकते हैं। भारतीय संगीत में देखा जाए तो जो राग है, जो थाट है, वो टोटल 5-6 हजार राग है, तो 5-6 हजार स्केल हो गए, है ना। बट मेन हम क्या करते हैं, मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं। एक होता है मेजर स्केल, ठीक है जी, और एक होता है माइनर स्केल। मेजर स्केल वो हो गया जिसमें शुद्ध गा यूज हो गया, माइनर स्केल वो हो गया जिसमें कोमल गा यूज हो गया। अभी देखिए, मैंने आपको टोटल 10 थाट करवाए हैं अभी तक, है ना। तो देखिए, बिलावल में शुद्ध गा यूज हो रहा है, तो ये एक मेजर स्केल है, ठीक है जी। यहां पे देखिए, कल्याण में भी शुद्ध गा है और खमाज में भी शुद्ध गा, ये दोनों ही मेजर स्केल है, ओके जी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, अभी उसके बाद मैंने ये बताया था दो स्वर, तो देखिए ये भी भैरव भी एक मेजर स्केल है, शुद्ध गा यूज हो रहा है। काफी में कोमल गा यूज हो रहा है, ये एक माइनर स्केल है, ठीक है। मारवा में भी शुद्ध गा यूज हो रहा है, दिस इज अगेन मेजर स्केल, ठीक है जी। देन उसके बाद आइए आप आसावरी, आसावरी में गा कोमल है, अगेन दिस इज द माइनर स्केल, गा कोमल है। अगेन पूर्वी में गा शुद्ध है, दिस इज अगेन द मेजर स्केल, ठीक है जी। देन उसके बाद आ जाइए भैरवी, भैरवी एक माइनर स्केल है, एंड देन तोड़ी इज आल्सो अगेन द माइनर स्केल। अभी आगे सर समझ में जी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके मतलब कि आपको अभी पता चल गया कि मेजर कौन से माइनर कौन से, सिर्फ एक स्वर से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेजर कौन सा माइनर, जिसमें कोमल गा लग गया, भले वो कोई भी राग है, भले वो कोई भी थाट है, तो वो एक माइनर स्केल के अंदर आएगा, जिसमें शुद्ध गा का यूज होगा, डेट विल कम इन द मेजर स्केल, ओके जी। और सर इसको हारमोनियम पे कैसे पहचानेंगे कि माइनर स्केल कहां, सेम वैसे बिलावल बजा रहा हूं, एक मेजर स्केल है, इसमें कोड लगेगा मेजर सा का पा। अभी मैं सॉरी बजा रहा हूँ, वेरी गुड, ये माइनर स्केल है। साउंड से देखो दो तरीके हैं, अगर आप बिगिनर हो तो आप स्वर को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि मेजर क्या है माइनर क्या है, अगर आप थोड़े एडवांस है तो आप सुन के भी पता लगा सकते हैं मेजर और माइनर में, बहुत फर्क है आवाज में, बहुत फर्क है। देखिए अगर मैं यहाँ पे सिंपली मान के चलिए बिलावल बजा रहा, तो उसमें सारे स्वरों की जो साउंड है ना वो खुली खुली आ रही है, देखिए। और यहाँ पे मैं गा कोमल लगा देता हूं तो आवाज थोड़ी दबी आएगी, तो साउंड में डिफरेंस है ना दोनों में जी। धीरे धीरे जब आप गाने बजाएंगे ना इन थाटों, मैंने वही चीज क्या कि अभी आप शुरुआत के लिए आप स्वरों को देख के अंदाजा लगाएंगे कि ये कौन सा स्केल है, कौन सा थाट है भाई। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप गाने बहुत सारे बजा लेंगे तो आप सुन के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा स्केल है, कौन सा थाट है, ठीक है जी। प्रैक्टिस से वो चीजें सर समझ में आएंगे आपको। थैंक यू सर, ठीक है जी, थैंक यू, ओके जी। हाँ जी, किसी और को कोई सवाल है जी? ओके, सो बेसिकली आप लोग क्या करिए, अभी इन थाटों को याद करिए। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आप एटलीस्ट 50 अलंकार, एटलीस्ट 50 में से 10-10 अलंकार आप हर एक थाट में बजा के देखिए, आपको पता चलेगी कौन से थाट में कौन से स्वर लग रहे हैं,